ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उम्मीद फाउंडेशन ने दिव्यांग बच्चों का कार्यक्रम आयोजित किया था। ये दिव्यांग जरूर है मगर किसी के मोहताज नहीं है। दिव्यांग होने के बावजूद पढ़ाई से लेकर खेलकूद समाज को जागरूक करने की प्रेरणा ये बच्चे देते हैं। इन बच्चों ने देश में कैसे अमन शांति लाई जाए इसका पैगाम दिया। वहीं उम्मीद फाउंडेशन ने बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करने वाले मुमरा फायर ब्रिगेड के तांबेश्वर मिश्रा और उनकी पूरी टीम को सम्मानित किया है। 27 तारीख को जो 4 तारीख को हमने जो दीवावासियों और मुमरा वासियों को रेस्क्यू किया था वो सत्कार करने के लिए उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से हमें बुलाया गया था और हम आए हुए हैं। उन्होंने हमारा सत्कार किया। वैसे तो हमारा फर्ज है लेकिन फिर भी लोगों का प्रेम है, लोग सरकार हमारा प्रोत्साहन और बढ़ाना चाहते हैं इसलिए हम आए। हमारा प्रोत्साहन हुआ, सत्कार हुआ। धन्यवाद उम्मीद फाउंडेशन वाले को, धन्यवाद करना चाहते हैं। वहीं इस मौके पर रॉबिन हुड संस्था जो गरीबों तक खाना पहुंचाने का काम करती है, जो खाना होटलों में बचा होता है या फिर जो बचे हुए खाने लोग इन्हें देते हैं, वो इन खानों को गरीबों तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम लोग रॉबिन हुड आर्मी मुंबई से हैं। हम लोग स्टूडेंट्स, होममेकर्स, सब लोग वॉलंटियर करते हैं। हमारा मकसद है कि जो एक्सेस फूड आता है, एक्सेस मतलब जो ज़्यादा फूड बचाता है रेस्टोरेंट्स और काफ़ी इवेंट्स में से, तो ये हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं। काफ़ी एक्टिव रहते हैं हमारे रॉबिन्स और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि खाना वेस्ट ना जाए। बच्चे और औरतों को हम लोग मोस्टली खाना पहुंचाते हैं और काफ़ी मतलब ऐसी जगह है बॉम्बे में जहाँ पे क्लस्टर्स एज इन जो रोड साइड रहते हैं और जिस मतलब जो कचरा उठाने वाला काम या ऐसे छोटे मोटे जो काम करते हैं उनको हम खाना सही से पहुँचाते हैं। जिस तरह से उम्मीद फाउंडेशन दिव्यांग बच्चों का सहारा बन रही है तो वहीं रॉबिन हुड जैसी संस्था गरीबों को खाना पहुंचाने का काम कर रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।